अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है ज़िंदगी में? आज वीकेंड, ये वीकेंड भी मुझे टाइम मिलता है रोज़, हर हफ्ते आया तो आजकल मेरी एनर्जीज बहुत डाउन है। एक काम बड़ी मुश्किल से होता है और दिन ऐसे गुजर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या आजकल चल रहा है। तो बस अभी हम निकल रहे थे बाहर ऑरलैंडो में, यहाँ एक सेलिब्रेशन जगह है, सेलिब्रेशन का डाउन टाउन, छोटी सी बड़ी खूबसूरत सी जगह है, बहुत ही प्यारी। ये डिज्नी के ही मेरे ख्याल में ओनर ने बनाई थी, उसी तरह का डाउन टाउन है। और दो 30 नवंबर के बाद वहाँ पे रोज़ स्नोफॉल का सिस्टम करते हैं। अभी 30 नवंबर नहीं हुआ बट मैं अभी तक उधर गई नहीं हूँ, तो मैंने कहा चलें वो भी देख लेते हैं। रास्ते में हमारा फेवरेट टर्किश इस्तंबुल ग्रिल, महीने डेढ़ महीने से ज़्यादा हो गया हमने अपना फेवरेट खाना नहीं खाया, तो वो भी खा लेते हैं। खाना खाएंगे, जगह देखेंगे, छोटी सी लेक है और डाउन टाउन टाइप का एरिया है पुराने ज़माने के। सो लेट्स सी कैसा रहता है मौसम। थोड़ा आज बहुत ही खूबसूरत है, हल्की सी ठंडक है मौसम में, जैसे ना हल्की सी आपको ज़रूरत पड़ेगी। कल दो दिन से अच्छा खासा मौसम हुआ है, तो ये मैं लग रही हूँ, ये ड्रेस कोई मेरा 3-4 साल पुराना है। तो चले बैठ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं। बिलाल, आर यू एक्साइटेड? एक्साइटेड फॉर व्हाट? फॉर सेलिब्रेशन बिलाल। फॉर सेलिब्रेशन? हाँ, ये जो वहाँ का इस्तांबुल ग्रिल है ना, काफी करीब है। वैसे बिलाल, हम जा उस रास्ते से रहे जहाँ से हमें रास्ते में एक हमारा फेवरेट नेबरहुड भी आता है, आज वो भी देख लें। मुझे वैसे आइसोलेटेड नेबरहुड्स अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज आई फील कि उसमें कम्युनिटी लिविंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो शहरों के बीच में लोग जो रहते हैं ना, कि स्कूल होता है उनका अपना, मिडिल स्कूल होता है उनका अपना, एलिमेंट्री स्कूल होता है, जैसे हम लोग भी इसी तरह रहते हैं ना, जैसे सारे एक दूसरे को जानते हैं, किसका बच्चा स्कूल ट्रांसफ़र कर रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, फुफ्फो मासी सबका यहाँ पे हमको पता है। वॉक करते हैं तो सबकी शक्लें याद होती है। ज्यादा ही पता है, इतना पता होना नहीं चाहिए लेकिन विच इज़ वेरी एक तो हम दोनों आर्मी कैंट्स वगैरह और बेसिस में रहे हुए हैं, तो हमें बचपन से आदत है, तो वो आदत अभी तक हमारी जो है ना। ख्याल में वो नेबर, उसका नाम, नेबरहुड का नाम क्या था? मेरे ख्याल में ये उसके ना वो शुरू हुए हैं, आप देखिएगा ये अलग से आइसोलेटेड है, लेकिन उसके ना पूरी मार्केट भी है, इनका अपना हाई स्कूल भी है, हार्मनी सेंटर, नहीं इससे अगले वाले से, ये तो बन रहा नहीं, तो सिर्फ घर बन रहे, मैं तो वो जो बनी हुई है ना वो दिखाना चाह रही हूँ। ये देखे, ये ना एक इसकी मार्केट भी है और इसका ना, हाँ भी चल रहा है, इधर गोल्फ स्क्वायर ड्राइव साउथ, हाँ चलते चलो, इसको अभी छोड़ दो, ये आगे देखे, यहाँ पे मार्केट भी है, घर भी हैं, अंदर हाई स्कूल अक्रॉस द रोड है, होम हेल्थ केयर, ये कॉफी सेंटर है, ब्रेकफास्ट लंच, इधर ग्रोसरी स्टोर है, 400 से शुरू हो रहे हैं, अब घुमाओ अंदर। ये क्या है जी? जोन्स होम्स यूएसए, ये मैं कह रही थी। नाउ सेलिंग, जरा आगे चलिए, जरा पता तो चलेगा इधर है क्या क्या। मैं जब भी इधर आती थी ना, मुझे बड़े दूर से बड़ा अट्रैक्ट करता था कि ये मोहल्ला क्या है, कहीं भी चले जाओ, मेरे ख्याल में इधर तो ओपन हाउस चल रहा है, इधर देखो ओपन हाउस चल रहा है, घूम के आ जाते हैं फिलहाल, ये जरा ख्याल करना। यहाँ वहाँ पे आप लोगों के पास गीज होती है ना कनाडा में, हमारे पास ये सैंडल्स होते हैं, ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना, गोल्फ कोर्स भी है, चलते चलो आराम आराम से, बस इनको तकलीफ मत देना, ये बड़ी यहाँ की महंगी और बड़ी इज्जतदार मखलूक है, इसको कुछ भी हो जाए ना तो यहाँ के जो गोल्फ कोर्स भी है। हाँ, मैं यही तो इस नेबरहुड को देखना चाह रही थी कि ये आइसोलेटेड है, मतलब ऑरलैंडो के बाहर आउटस्कर्ट्स में है, और इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स मी व्हेनेवर, मैं देखना चाहती थी बिलाल को कि बिलाल हम जब भी यहाँ आते हैं ना, हार्मनी कम्युनिटी गार्डन भी है यहाँ, कम्युनिटी गार्डन, इसका मतलब कम्युनिटी गार्डन वो होता है जिसमें आप ना थोड़ा एरिया अपना रेंट करते हैं और वहाँ पे अपनी फ्रेश सब्जियाँ लगा सकते हैं, ये डॉग्स पार्क है, ठीक है, हाँ ये कुत्ते जो है ना, है भी खौफनाक कुत्ता घूमा हुआ, आगे क्या क्या है, कितनी दूर तक है,
ये वापस हमें वहीं ले जाएगा जहाँ से हम गोल घुमा के ले आएगा ना। ये तो घर है, आगे चलते जाएं, ये घर है, घर अच्छे बने हुए हैं देखें। रोड थोड़ी सी कंजस्टेड है वैसे, लेकिन घर उस तरफ भी हैं, बहुत ही अच्छी बड़ी कम्युनिटी है। थैंक्सगिविंग आ रहा है ना, ये टर्की थे? नहीं नहीं यार, टर्की तो छोटे नहीं होते, ये टर्की होते हैं जानी। ओपन हाउस कहाँ मिल रहा है? ओपन हाउस आगे चल रहा है, ओपन हाउस ये देखें। न्यू लग्जरी होम्स भी हैं, सेकंड राइट लग्जरी होम्स भी हैं भाई। एक कॉलोनी है, लोग रह रहे हैं, दुनिया अंदर, एक स्कूल भी होगा, और क्या चाहिए बंदे को। पूरी कम्युनिटी, पूरा एक बिल्डर का, हाँ, हार्मनी लेक्स का नाम है क्या, पता नहीं, द लेक्स एट हार्मनी। अगर आप शहर से दूर एक सकून वाले एरिया में रहना चाहते हैं तो दिस इज द प्लेस फॉर यू। अलमास की खातिर ये तो एक्टिव एडल्ट कम्युनिटी है मेरी जान। चल अंदर से घुमा। एक्टिव एडल्ट है ना, गोल्फ कोर्स देखे आपको मैं दिखाती हूँ। ये वो विलेजेस की तरह बनी हुई है, वो जिस तरह वहाँ पे था ना, तो बता रही थी कि वो गोल्फ कार्ट्स में जाते हैं। देखी थी ना हमने, टर्कीज थी रास्ते में ना आके भड़के। ये देखिए टर्की है, थैंक्सगिविंग पे एक पकड़ के ले चलते हैं, कुर्बानी कर देते हैं फिलहाल इनकी। इसके गोश्त में फैट बहुत होता है, हमें तो टर्की वैसे ही नहीं पसंद। इतनी क्यूट घर है ना, ये देखें कितनी प्यारी स्ट्रीट्स हैं यार, हाउ प्रिटी दिस इज। बंदा यहीं पे तस्वीरें बिलाल वॉक करता, अगर धूप है ही नहीं, धूप हो भी तो यहाँ पे आएगी नहीं, दरख्तों के छांव है, इतने प्यारे हैं यार। स्ट्रीट टाइप के घर बनाए हुए हैं, ये देखें घर, आहिस्ता आहिस्ता देखो, अंदर भी देखे, लेन भी, ये देखे पिंक। पार्किंग इनकी जो है पीछे होगी, पीछे होगी, हाँ, गैराजेस इनके पीछे है और इनका फ्रंट ये है। बट कितना व्यू सामने, इस तरफ गोल्फ कोर्स है, व्यू चेक करें, मतलब फुल मार्क्स हैं ये, इट्स ब्यूटीफुल। उन्होंने मंगवा लिए पहले से, और टेक योर टाइम, ओके, देयर फॉर द ड्रिंक्स वी वुड अप्रिशिएट यू विद द मील, या ओके ओके, इज दैट ओके, एंड वुड यू बी सर्विंग लाइक दिस। हम पहुंच चुके हैं इस्तांबुल ग्रिल, ये किस नेबरहुड का अगला, किस्मी, मैं इसको किसी में से बोलती हूं। यस वी हैव बीन, बस खाना खाते हैं और उसके बाद। इसकी एम्बियंस जो है ना वो बड़ी अच्छी है, और वही हमने अपना फेवरेट ही मंगवाते हैं, आता है तो फिर खाते हैं। खोले इसको, बड़ा गर्म होता है। फिलहाल कैसा हाल है यार? पेट फट रहा है अब। अच्छा, हमने ना तकरीबन डेढ़ महीना हो गया, हम हर वीक आते थे, आप लोगों को शिकायतें होती थी ना, तो हमने ना इधर आना छोड़ दिया था, क्योंकि इस वाले में नहीं आते थे वो, वैसे ही वो अपना बाजार वाला जो इस्तांबुल ग्रिल था, ये भी इस्तांबुल ग्रिल ही है, सेम उन्हीं का, ये सेम ही है और ओनर भी उनका। यार इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब ये भले प्राइस चार्ज करते हैं, लेकिन इनका खाना खाने के बाद ना आप अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी लजीज चीज़ें दी हैं। तो अभी भी कोई भी ऑरलैंडो आप लोग आ रहे हैं ना, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा इसको तो जरूर ट्राई करें। अच्छा, टेस्ट में जरा भी फर्क नहीं है इसमें और वो जो उधर वाला, इनकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें कि इन्होंने टेस्ट बिल्कुल एक जैसा रखा। हाँ, तो जो भी ऑरलैंडो आए, हाँ इधर जरूर है, इधर जरूर, ये तो हमारा फुली, मतलब आप लोगों को पता होगा हम हर वीक इधर आते थे, अभी हमने थोड़ा आना काम कर दिया आप लोगों की वजह से। आप लोग कहते बस आप लोगों ने माइंड किया था, मैंने कहा वाकई बात तो ठीक करते हैं कि मतलब हम कुछ और खाते क्यों नहीं है, बट डेढ़ महीने वरना हम हर वीक। यहाँ पे हाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स तो बेकार है, फिर बंदा
जो आपको एक्चुअली आप पैसे खर्च भी उतने ही करते हैं, ज्यादा करते हैं। नहीं, वैल्यू फॉर मनी तो है वो तो है ना, कम से कम टेस्ट तो आए। अब हम कहीं भी, हमारी फैमिली जाती है, 120-130 बिल तो बनता बनता है। आजकल महंगाई इतनी हो गई है, अब 120-130-150 कब कुछ रेस्टोरेंट ज्यादा महंगे हो और उसके बाद आप खुश ना निकले, देन मुझे होता है कि ये तो पैसा पूरा हमारा जो है ना वेस्ट ही हो गया। चलें सेलिब्रेशन चलते हैं, पहले एड्रेस तो लगा लो बिलाल भाई। अलादीन के चिराग को, बिलाल को याद आया कि अलादीन के चिराग को क्या कहते हैं, मतलब वो जो चिराग होता है, चिराग होता है जिसमें जलाते हैं। सारे जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो गूगल से देखें, गूगल से देखें मैजिकल ऑयल लैंप। दैट्स व्हाट इट सेज ऑन गूगल। नो, इट सेज रब द लैंप, दे से रब द लैंप, सो द लैंप लैंप लैंप। बाय द वे, ये वाला जो रेस्टोरेंट है ये उसी सेलिब्रेशन में ही, उसी एरिया में ही आता है। सो रात हो गई, हमें दिन में आना चाहिए इस जगह को एक्सप्लोर करने, बट रात को भी क्रिसमस लाइट्स तो होंगी ऑफ कोर्स। बहुत ही प्यारी जगह है, और लेकिन चले देखते हैं जो हमें नजर आया। सेलिब्रेशन के घर चेक करो, ये कितना खूबसूरत घर है। हेलोवीन और क्रिसमस की डेकोरेशन देखो, घर है या क्या है? घर है लोगों के। ओह माय गॉड, लोग रहते हैं यहाँ पे। बेथलम एक्सपीरियंस, सो प्रिटी, ये देखें। और वो पीछे वाला तो बहुत ही था, एक पे तो अभी तक वो हेलोवीन की लगी हुई थी डेकोर। ये कॉन्डोस हैं, फ्लैट। स्टॉप है, स्टॉप स्टॉप। हम आ चुके हैं, अभी तो इतना रश नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी रश होगा, वीकेंड पे काफ़ी रश होता है। इधर चलते हैं, आइसक्रीम वगैरह कुछ खाते हैं, वो जगह बहुत खूबसूरत है। मुझे तो ये पानी के बीच में जो है ना तस्वीरें कितनी अच्छी लगती होंगी। हाँ ये चलें जी, हम आ चुके हैं। सो यहाँ पे वॉकिंग ट्रेल्स भी हैं आगे, अच्छी खूबसूरत जगह है, बट अभी इतना रश होता है कि नहीं होता। क्रिसमस मैंने आपको बताया 30th November के बाद ज़रूर आए यहाँ पे। ओह वाह, कितना खूबसूरत है। कोई आइसक्रीम ढूंढेंगे वॉक करके, आइसक्रीम पार्लर कोई देते हैं, वो भी बेकरी है। अभी लगा रहे हैं प्रॉपर तरीके से इन्होंने, ये क्रिसमस की शॉप चेक करें, आ जाए। बहुत ब्यूटीफुल दिस शॉप है। अच्छा अभी हेलोवीन पे 30% ऑफ भी है, थैंक्सगिविंग। सॉरी यार, मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि पीछे शॉप पे क्रिसमस के सॉन्ग्स चल रहे थे, तो मेरा कॉपीराइट आ गया। आज मैंने व्लॉग अपलोड करना था बट एंड में ही मैं जिम चले गई, मुझे पता नहीं चले, वापस आई तो मैंने देखा कॉपीराइट्स आए हुए हैं। मैंने कहा भाई फिर लगाओ अपनी आवाज़, इतनी सुरीली आवाज़ है कि तुमको आवाज़ों को आवाज़ सुना के अपनी जो है वैसी परेशान कर दूँ। बट ये शॉप बहुत ही खूबसूरत थी, ये स्पेशली क्रिसमस के ऑर्नामेंट्स और डेकोरेशन बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉप थी, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, डॉल्स को चेक करें, एक एक माइनर छोटी छोटी सी माइन्यूट जी डिटेल जो है ना वो बड़े खूबसूरत तरीके से दिखाई जाती है। मुझे हमेशा से बचपन से इन चीज़ों का बहुत शौक था, और वैसे भी हमारे ज़माने में बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें, करेक्टर कार्टून्स बहुत अच्छे होते थे। आजकल तो काफ़ी थोड़े खौफनाक किस्म के आते हैं, कोने निकले हुए जिस तरह ये साइबर ट्रक है, इस तरह के होते हैं, हमें तो समझ नहीं आते। मुझे तो वही क्यूट क्यूट पिंक पैंथर और टॉम एंड जेरी और पता नहीं केड़े केड़े क्यूट क्यूट, डोनाल्ड डक, कैसे बोल रही हूँ मैं, डोनाल्ड डक जैसे कभी ज़िंदगी में। बट इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल शॉप, जस्ट लुक एट दिस, जिंजर ब्रेड की चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये इस तरफ सारा ये पिंक सेलेक्ट कॉर्नर था। घर चेक करें कितने प्यारे डिकोर्स हैं, बट दे वर एक्सपेंसिव, चीप नहीं थे भाई, हर चीज़ के पैसे लगते हैं। पता नहीं ये कहाँ से इन्होंने मंगवाया, लेकिन ये जो स्पेशली घर शर हैं, इवन क्रिसमस की छोटी सी ऑर्नामेंट्स जो थी वो भी काफ़ी महंगी थी, 15.999 हैंगिंग जो है क्रिसमस ट्रीज़ के लिए। ये देखें छोटी सी बारबी पिंक, मेरे ख्याल में ये फ्रिज मैग्नेट था शायद, आई डोंट नो।
और ये आ गया, ये कौन से करेक्टर हैं क्रिसमस के, हर डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर थे ना। ग्रिंच ये केड़ा करेक्टर है मेरा भाई, या एल्फ है? आयमा को पता होगा ग्रिंच ही होगा, मुझे तो नाम भी याद नहीं है सच्ची बात है, बट वही है। हर कॉर्नर देखें कितने मज़े मज़े, मुझे यहाँ वीडियो में देख के मज़ा आ रहा है। ऑल दो मेरा वॉइस ओवर करने का बिल्कुल मूड नहीं है, बट मैं की करा, तुसी दस दो मैनू। देखें ये देख कितनी प्यारी चीज़ें हैं, बार बार मैं यही तारीफ़ें करती जा रही हूँ, तुम लोग भी मुझसे तंग नहीं हो जाते? वैसे तो तंग हो ही गए हो क्योंकि मेरी व्यूअरशिप ख़त्म हो गई है आहिस्ता आहिस्ता ना। मे बी मेरे से ना सफाइयाँ कर करके वीडियोज़ नहीं डलती, मुझे नई लोगों को बताना अभी है। अभी देखिए क्रिसमस ट्री लगा दिया है पर अभी लाइटिंग नहीं होनी, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ना साइडों से फिर ये स्नोफॉल करते हैं, मानी जैसे वहाँ पे नहीं होती थी सी वर्ल्ड में, ना लुक एट दिस, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे मेरे ख्याल में वो करेंगे बिलाल स्केटिंग। चलो आ जाओ आगे चले, बहुत ही हसीन जगह है। ये भी शॉप है लेकिन वो वाली जो ज्यादा भरी हुई शॉप थी वो आपको हमने दिखा दी। फिजा है यहाँ पे, आगे लेक है तो वहाँ पे वॉक शॉक हो सकती है। इस क्रिसमस ट्री को तो अभी लाइट जलानी चाहिए थी। कितना खूबसूरत ऊपर हाउस बना हुआ है, मानी इसमें क्या है? Tell me if y'all have caught Saint Nick in your house giving you presents. I want to see the real picture of Saint Nick, aka Santa. And yeah, I hope send the picture. Chale ji baaji. Bells bhi lag gayi hain, bells and wo bhi. Haseen. Yahan pe aage markets hain, shops hain. बहुत ही खूबसूरत है, रेस्टोरेंट्स हैं आप आए, बहुत मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। वैसे बिलाल अभी पता नहीं रश ज़्यादा होता होगा, पता नहीं आज भी अभी तो नहीं आया हुए। इधर नीचे क्या है? नीचे अलमास मगरमच्छ हैं, चल रहे? हाँ पानी से तो बहुत दूर है। उस मगरमच्छ एलिगेटर्स वॉकिंग ट्रेल है। आगे यहाँ पे ये क्या है? ग्रिल है, रेस्टोरेंट है। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, अभी इतना रश वश नहीं है सो हम उधर तक वॉक करते हैं, देखते हैं। दिन में आए तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये बीच में क्रिसमस ट्री जला देना तो बहुत ही हसीन हो जाएगा सब कुछ। Yes, I do. It's not about the heat. ये apples है, पता नहीं apple dip करके ये खाने की ज़रूरत क्या है। ये chocolates वगैरह हैं। I think we will go for ice cream. Waffle cone. इसमें खुशबू है बिलाल वो वाली? Do they have that? जो बटर की खुशबू आती थी। आमा विच फ्लेवर यू वांट? कॉटन कैंडी। हम आ गए, अभी हमने पीच वाली ट्राई की है, ये हमारी आई। थैंक यू। पिस्ताशियो और पीवे, दैट्स ऑल। सो हमने ले लिए वॉफल में, सो काफी हैवी चॉकलेट है, बहुत अच्छी है वॉफल भी अच्छा है। चले हम बाय चलते हैं, लाल पे करके आते हैं। आ जाओ
खूबसूरत है, लोगों ने जैसे सेट किया हुआ है क्रिसमस, एक तो टाइम ही साल का इधर ना, आपको कैलिफोर्निया में वो जो हम लॉस एंजेलिस में गए थे ना वो न्यू ईयर वाली, ये देखें ये डिज्नी के, ये चेक करें डिज्नी की थैंक्सगिविंग वाली नाइट थी हां नहीं जब हम लोग हां अभी इस पे अभी तक हेलोवीन की डेकोर लगी हुई है। हाउ प्रिटी यार, बहुत ही प्यारा नेबरहुड है, जो भी इधर रहते हो ना घर चेक करें, मुझे इस तरह के घर पसंद है, मानी पुराने पुराने जमाने ये डिजाइन, इंशाल्लाह मैं ऐसा ही लूंगी होम अलोन वाले टाइप के। इधर भी देखो क्या कंस्ट्रक्शन है बिलाल, ये कोई घोटाला है चांद छुपा बादल में, बस कर दो ना ये क्यों पॉइंट्स के मेरी जान। अब भाई कहीं भी मैं स्टॉप कर सकती हूँ, चलें जी बाय बाय, हमारा व्लॉग हो गया खत्म।